आदरणीय प्रदीप नरवाटी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय सचिव जी हमारे आपको संबोधित करें। सबसे पहले सभा में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने बड़े भाई और देश के मशहूर नेता, मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी जी का एक बार जोरदार की तरह ताली बजा दीजिए। दूर से आए हैं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो पूरे झांसी के लोगों ने एक बात कही कि हमें इमरान भाई चाहते हैं, हम झांसी में आए। तो आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी बात का सम्मान रखा और आप झांसी में आए। हमारे जिले के अध्यक्ष भगवान दास कोरी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और झांसी की शान प्रदीप जैन आदित्य जी, हमारे एसीसी से सेक्रेटरी और पूर्व में विधायक रहे जो नव निर्वाचित सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे आए हैं, सत्यनारायण पटेल जी जो मध्य प्रदेश से हैं, हमारे पूर्व सांसद और एसीसी के सेक्रेटरी विजयलाल धामी जी, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता राकेश सज्जन साहब, हमारे एसीसी सेक्रेटरी बड़े भाई सुधांशु त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जयमल सिंह जी, हमारे प्रदेश के महासचिव रामचारिया जी, रामराय जी, हमारे प्रभारी महासचिव शुक्राचित्य शुक्ला जी, सचिव अजय सिंह जंगीर जी, और किसी का नाम पिता तिवारी और उपाध्यक्ष महिलाएं नाम वहाँ पे चौकों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस के चंद्रशी नेता परिहार साहब हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और यशस्वी नेता हमारे यहाँ के विशिष्ट जी शहर अध्यक्ष, और मैं बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा ये जो लड़ाई है ये लड़ाई सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई भारत के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और आज जब मोदी की यात्रा हुई है, हमारे जो वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर जी, विजय धामी जी, राज्य सचिव जी, आपको यात्रा में जयवंत सिंह जी, आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों को मजबूत सहयोग किया और बात करना मेरे योगदान से पहुंचे और बात रहने के लिए कि नहीं देख रहा हूँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश में लोगों में बात करते हैं 40% आरक्षण महिलाओं को सुनिश्चित करेंगे। आज मैं उसकी प्रकाश करता हूँ और बड़ी खूबसूरती की बात है कि हमारे मंत्री जी आए चुनाव में आरक्षण के साथ साथ कोशिश की जा रही है। उन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इसी तरह आज फिर से मिलकर झांसी के तमाम हिंदुओं को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, हर समुदाय, हर जात बिरादरी को मिलकर संघ को हराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। मैं बहुत लंबे अपने बात को नहीं रखूंगा क्योंकि आप लोग इमरान भाई को सुनने के लिए आए, मुझे भी जाना थोड़ा जरूरी काम आ गया था। सभी पूरी कार्यकारिणी का बस धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत साथ आगे संघर्ष करेंगे। तमाम हमारे युवाओं का, जब प्रिंस जी हो, बाकी हो, धन्यवाद आप लोगों की मजबूती से काम के, इम्तियाज भाई और बाकी हमारे जितने सारे जी के नाम छूट गया होगा, मैं उनसे माफ मांगना चाहूंगा। तो शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं अपने राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से हमको अभिसिंचित करें। सम्मानित आदरणीय भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी और हमारे AICC के बुंदेलखंड के प्रभारी आदरणीय प्रदीप नरवाल साहब, AICC के सम्मानित सदस्य भाई सम्मानित त्रिपाठी साहब, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सदय सचान साहब,
भारत सरकार के पूर्व मंत्री सदैव सम्मानित बुंदेलखंड के शेर सदैव प्रदीप जैन साहब, पूर्व सांसद सदैव खामरिया जी, एमएलसी के जयवंत सिंह जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कशिश जी, राहुल भाई और उदयपुर से रुद्रपुर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधे मिनट में समाप्त करूंगा। मैं हमेशा यूट्यूब पे सुना है, लेकिन आज ज़ोहेब मलिक पब्लिक ओपिनियन करेंगे, सफल बनाकर एक उत्तर प्रदेश का परिवर्तन आए, वो उत्तर प्रदेश का परिवर्तन जहाँ से शुरू हो पूरे देश इंडिया में चल रहा है। यूपी इलेक्शन पंजाब और ये कवर कर रहे हैं उत्तराखंड। मैं हमारे क्रांतिकारी नेता जनजन के प्रिय बुंदेलखंड के शेर आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी से निवेदन करूंगा, वो आए और सभा को संबोधित करें। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई वीर गुलाम घोष का की इस पावन माटी पर हमारे बुजुर्गजन मातृशक्ति, हमारे नौजवान भाइयों, सम्मानित मंच और एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व के नाम से जिले का नाम गौरवान्वित होता है। हम जिले के नाम से जाने जाते हैं कि झांसी की रानी की नगरी के हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के लोग इस नाम से जाने जाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ के जिले के हम लोग हैं। हम चाहते हैं जोरदार ताली। और दूसरी शख्सियत जिन्होंने तीन तीन जिलों का प्रतिनिधित्व किया, कानपुर से उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, घाटमपुर से वो कई बार विधायक रहे और फतेहपुर से सांसद रहे, और 23 तारीख से इनको प्रियंका जी ने 31 तारीख को वहां बुलवाया था मीटिंग में, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें रानी की माटी का नमन करना है, हम झांसी जाएंगे। ऐसे हमारे भाई राकेश सचान जी, जोरदार उनके लिए ताली बजाएं। सभी बाकी हमारे परिवार के हैं, मैं सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ललितपुर झांसी के, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी, आप लोग इमरान साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आपके परिवार का बेटा हूं, भाई हूं, लेकिन चूंकि एक यात्रा की जिम्मेदारी हमें प्रियंका जी ने दी थी और मैंने देखा पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर एक बदलाव की आग है। लोग चाहते हैं कि ये खोखने वाली सरकार, कुचलने वाली सरकार सत्ता से बाहर हो। हर आदमी चाहता है जिस तरह की भाषा लोगों को बांटने की, तोड़ने की, कुचलने की ये देश के मंत्री कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। प्रियंका जी ने कहा है कि जिस तरह लखीमपुर आपने देखा होगा, योगी बाबा ने पुलिस बिठा दी, मोदी ने सेना बिठा दी, सीआरपीएफ को बिठा दिया, लेकिन प्रियंका जी के पैरों में हथकड़ी नहीं डाल पाए। वो किसानों के आंसू पोंछने गई, खाद जैसी चीज में लोगों की जब जान जाती है, और उस समय न मंत्री आता है, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, प्रियंका जी जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस यात्रा से जुड़ेंगे तो उनका हक होगा प्रत्येक परिवार का 25,000 रुपए, बेटियों को जो 12th पास है उनको फोन मिलेगा, जो ग्रेजुएट है उनको ई स्कूटी मिलेगी, आपका बिजली का बिल हाफ होगा, कोरोना काल का माफ होगा, 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, एक एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, 3 गैस के सिलेंडर मिलेंगे, आपके घर से गेहूं खरीदा जाएगा 2500 रुपए क्विंटल, धान खरीदा जाएगा, आपको अडानी अंबानी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, और ये सब आपको एक मिस कॉल करना पड़ेगा जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ। अगर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके घर से गोबर खरीदेंगे, उन्होंने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा, और वो मिस कॉल आपको करना है 8230
5000 आप केवल एक मिस कॉल करिए ताकि सबसे पहले आपके घर पे सहायता पहुंचे। पूरा हक पूरे प्रदेश को मिलना है, लेकिन इसको जोड़ने से आपको हक मिलेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गाय और गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों को इमरान भाई पूरी दुनिया ने देखा, गंगा माँ कहते थे और गंगा माँ के आंचल में हजारों लोग उनकी लाशें बहती हुई दिखाई दी, बजरी के अंदर उनको गाड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा। और इनके मंत्री कहते हैं जिस संसद में मोदी साष्टांग लेटते हैं कहते हैं ऑक्सीजन से एक आदमी नहीं बना, झूठे हैं, लबड़ा है, इनसे बड़ा लबड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। आज गाय की स्थिति आप देख रहे हैं, गाय कहीं कूड़ा खा रही, कहीं पॉलिथिन खा रही, और जब हम लोगों ने गाय का आंदोलन किया तो हमारे घर पे 100-100 पुलिस वाले बैठा दिए। लेकिन हम लोगों ने कहा जहां गाय माता को अगर एक बूंद भी परेशानी होगी हम कांग्रेस के लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं हमारे तमाम साथी, चाहे अरविंद बबलू हो, राजेंद्र शर्मा हो, हमारे अफजाल भाई हो, जितेंद्र हो, मणिराम कुशवाहा हो, बलवंत सिंह राजपूत हो, हमारे भगवान दास कोरी हो, ये सारे लोग हैं जिन्होंने, बाकी राहुल लिछारिया, राहुल राय, शिव नारायण सिंह परिहार जी, हमारे सम्मानी खाबरी जी, पटेल साहब, ये सब आज इस मंच पर बैठे ताकि इन लोगों ने पूरी पूरी रात छुट्टी यात्रा चल रही थी। और हम अफजाल भाई की तो चाहते जोरदार सब लोग ताली बजाएं, राजेंद्र शर्मा और बबलू और भारद्वाज और यूसुफ जैन की धन्यवाद, जय हिंद जय। अब इस घड़ी का